Hello friends, welcome to iExamB. Today we are going to discuss the monetary policy review which has been held on 6th, 7th and on and 8th of October. ठीक है? इस वीडियो से हमें पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है आज की डेट में, है ना, और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने क्या स्टांस लिया है और वो क्यों लिया है, वो इस वीडियो के जरिए हमको समझना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होती है उसमें ब्रॉडली तीन एस्पेक्ट डिस्कस किए गए हैं. एक तो असेसमेंट किया गया है लास्ट दो महीने का, है ना, जो पास्ट में जो अगस्त और सितंबर जो मंथ हुआ है उसका असेसमेंट हुआ है कि इन दो महीनों में इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई है, इन्फ्लेशन कितना ग्रो हुआ है और क्या चीजें फाइनेंशियल मार्केट में हुई. फिर उसके बेसिस पे क्या स्टांस लिया गया है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में एंड में कुछ रेगुलेटरी मेजर्स भी डिस्कस किए गए हैं, वो भी देखेंगे. और ये रेगुलेटरी मेजर्स इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आने वाली जितनी भी एग्जाम हो रही है अभी दो तीन महीने में, IBPS, SBI, है ना, NIACL, इन सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट है ये रेगुलेटरी मेजर्स जो MPSC में हुए हैं रिसेंटली अक्टूबर में, अक्टूबर फर्स्ट वीक, पाँच दिन पहले. ओके, तो ये सारी बातें हम आज समझेंगे. ठीक है, तो असेसमेंट की अगर बात करें, अगस्त टू सितंबर 2021 का असेसमेंट है. असेसमेंट करते हुए RBI ने मेनली चार चीजों पे फोकस किया है. पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सर्विस सेक्टर, थर्ड है इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी और फोर्थ है मनी सप्लाई. ठीक है, तो उसमें ये जो पहला पिलर है मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसमें एक्सपैंडिंग ट्रेंड दिखने को मिला है. अब ये एक्सपैंडिंग ट्रेंड है ये कैसे पता चलेगा? एक्सपैंडिंग ट्रेंड पता चलता है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर से. अभी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है GST कलेक्शन. ठीक है, GST कलेक्शन है, देन ईवे बिल्स है, है ना, ईवे बिल है, देन तीसरा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, फोर्थ स्टील कंजम्पशन है. ठीक है, फिफ्थ क्या है आपका? ऑटोमोबाइल सेल्स है. तो ये सारी चीजें है ना हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है. अगर इसमें अगर हमको इफ वी सी इंक्रीज इन दिस इंडिकेटर्स देन वी कैन से दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज डूइंग गुड. ठीक है, तो ये सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग, ये अच्छा कर रहा है परफॉर्म, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स है उनमें अभी भी स्लगिश ग्रोथ है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर फिर से आए तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपैंडिंग ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन ये जो सर्विस सेक्टर है इसमें स्लगिश ग्रोथ है. है, ये जो सर्विस सेक्टर है मोर और लेस अराउंड 40% कंट्रीब्यूट करता है GDP में. जब 40% कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर ही ग्रो नहीं कर रहा है तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी. ठीक है, ये कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर जितने भी है, होटलिंग है ना, टूरिज्म है, तो ये कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर जितने भी है उनमें अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. एंड दैट्स वाई इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग फास्ट. ओके, वी आर ग्रोइंग फास्ट बट वी आर नॉट ग्रोइंग द लेवल वेयर वी वर बिफोर द पैंडेमिक. ठीक है, पैंडेमिक से पहले जितना हमारा GDP था वहां पे हम अभी भी नहीं पहुंचे. ठीक है, फिर प्राइस स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द RBI एंड दैट्स वाई दे आर कंसिडरिंग दिस इन्फ्लेशन सिनारियो. तो इन्फ्लेशन का सिनारियो ये है पिछले दो महीने में कि मतलब ये 5.1 टू 5.8 वैरी कर रहा है पूरे 2021 में. ठीक है, सॉरी पूरे 21-22 में. ठीक है, अगर अगर अभी का अगर प्रोजेक्शन मान ले फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो ये है 5.2%. ठीक है, और इसके बारे में फोर्थ पिलर पे बात की जा रही है वो है एडिक्वेट मनी सप्लाई. अगर एडिक्वेट मनी सप्लाई हम इंश्योर करेंगे मार्केट में तो इट विल इंश्योर द फंक्शनल ऑपरेशनल कैपिटल फॉर MSMEs, कॉटेज इंडस्ट्रीज, देन टूरिज्म इंडस्ट्री एंड होटलिंग इंडस्ट्री, ऑल द कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर्स. ठीक है, सो दैट्स वाई RBI इज इंश्योरिंग एडिक्वेट मनी सप्लाई इन द मार्केट. तो ये सारी चार चीजें डिस्कस करने के बाद अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि RBI ने क्या स्टांस लिया. ठीक है, RBI ने स्टांस लिया कि भाई रेपो जो पॉलिसी रेट्स है वो अनचेंज रखेंगे. ठीक है, उसको चेंज नहीं करेंगे, तो उन्होंने अकोमोडेटिव स्टांस लिया. अभी अकोमोडेटिव स्टांस क्या है? उनको एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंश्योर करनी है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी कम रखना है. तो इन दोनों को अकोमोडेट करने के लिए और इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करने के लिए उन्होंने अकोमोडेटिव स्टांस लिया है.
अकोमोडेटिव स्टांस के चलते उन्होंने सारे पॉलिसी रेट सेम रखे, ठीक है। रेपो रेट कितना है अभी 4%, रिवर्स रेपो है 3.35, एमएसएफ 4.25, बैंक रेट भी उतना ही है, सीआरआर 4% और एसएलआर 18%, ठीक है। इस किसी को कम और ज्यादा नहीं किया है आज की डेट में, इन मतलब पिछले पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में भी यही थे रेट्स। तो इन रेट्स के चलते जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको कंसिडर करते हुए ये सारे रेट अनचेंज रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इन रेट्स के चलते हमको बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर 21-22 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें जो जीडीपी का ग्रोथ है वो है 20.1%, ठीक है। ये अच्छा जीडीपी ग्रोथ है ना। तो अब देखते हैं कि भाई ये रेपो रेट्स अनचेंज क्यों रखे हैं। पहला रीजन है रेपो पॉलिसी रेट्स अनचेंज रखने के या फिर अकोमोडेटिव स्टांस लेने के, पहला एक तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हम कोरोना के पहले जो हमारे इकोनॉमी का जो स्टेटस था वहां पे हमको इकोनॉमी लेके जाने का, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो कम होते जा रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मॉनसून अच्छा हुआ है तो पल्सेस और जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हॉर्टिकल्चर और फूड ग्रेन की वजह फूड में जो इन्फ्लेशन था वो कम हो रहा है। उसके बाद में ये जो इन्फ्लेशन है इसके पीछे मेजर रीजन ये है कि गवर्नमेंट टैक्सेशन है ना, गवर्नमेंट टैक्सेशन बहुत हो रहा है, और वो भी आपका जो पेट्रोल है ना और डीजल है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है। देन दूसरा रीजन है कि आपका एडिबल ऑयल हम मोर देन 50% इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से एडिबल ऑयल के प्राइस बढ़े हुए हैं। देन थर्ड है एलपीजी, फिर फोर्थ है मेडिसिन, तो इन सारी चीजों की वजह से प्राइजेस बढ़े हुए हैं, ठीक है। सीपीआई जो है आपका बढ़ा हुआ है, अदरवाइज डिमांड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अगर डिमांड साइड में प्रॉब्लम होती तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता, लेकिन डिमांड साइड में अभी तक तो कोई इश्यू दिख नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई आरबीआई हैज केप्ट रेपो रेट्स और पॉलिसी रेट्स अनचेंज, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं कि ये सारी जो असेसमेंट है वो हमको कहाँ काम में आएगी। देखिए आरबीआई और नाबार्ड जो है ये डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वाला डोमेन बन गया अभी, ठीक है। 300 में से नाबार्ड में 300 में से 200 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव है, नाबार्ड में 100 मार्क्स अराउंड 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आउट ऑफ 200 इंग्लिश और ईएसआई एआरडी मिला के, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन द लाइट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीट हेल्ड ऑन अक्टूबर 2021 असेस द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द डिस्कशन दैट वी हैड जस्ट नाउ, एंड इफ यू वॉन्ट मोर क्लैरिटी देन यू कैन गो थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर। इट इज हार्डली 8-page डॉक्यूमेंट है ना, एंड इट इज अवेलेबल ऑन आरबीआई वेबसाइट, ठीक है। इन ऑर्डर टू राइट गुड आंसर यू कैन गो थ्रू दिस, अदरवाइज यू कैन राइट बेस्ड ऑन द डिस्कशन आवर डिस्कशन ऑल्सो, एंड यू कैन सेंड दिस आंसर टू hello@iexambi.com। आई विल इवेल्युएट दैट आंसर एंड गेट बैक टू यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मुझे एक बात बतानी है कि आरबीआई ग्रेड बी के हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेस शुरू है, ठीक है। इसमें 1-on-1 सेशंस होते हैं और पर्सनलाइज शेड्यूल स्टडी प्लान भी दिया जाता है और हैंड होल्डिंग होती है एस्पिरेंट्स की। अगर प्रिपरेशन में कोई दिक्कत है तो आप यू कैन टॉक विद द फैकल्टी, यू कैन टॉक विद द एक्सपर्ट्स, ठीक है। सो इन दैट वे वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन देयर प्रिपरेशन। नाबार्ड का भी SBIPO का भी एक्सक्लूसिव कोर्स हमने लॉन्च किया है, सो नाबार्ड का SBI का नोटिफिकेशन भी आ गया है। इफ़ यू वॉन्ट टू इंश्योर योर सिलेक्शन देन यू कैन एनरोल टू अवर एक्सक्लूसिव कोर्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी मेजर्स की। ये रेगुलेटरी मेजर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आने वाली जो एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो SBI ने एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉरी स्पेशल 3-year लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लॉन्च किया था। ये किस लिए है कि भाई जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, इनके लिए इनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल हो, सो दैट दे कैन लेंड इट टू एग्रीकल्चर फार्मर्स, MSMEs, कॉटेज इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर्स, है ना। तो इससे क्या होगा, ऑपरेशनल क्रेडिट अगर मिलेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर होगा, ठीक है। तो ये जो है ये 10,000 करोड़ का फैसिलिटी था, ये अभी एक्सटेंड कर दिया गया है टिल डिसम्बर 31st 2021,
ठीक है. सो दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, दिस कॉर्पस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन इन ऑफलाइन मोड. पहले डिजिटल पेमेंट कैसा था, ऑनलाइन मोड में था, अभी ये ऑफलाइन मोड में भी आरबीआई चला रही है, सो दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन विल इंप्रूव, है ना. बहुत सारे रूरल एरिया में क्या होता है, वहां पे नेटवर्क नहीं होता है ना. सो नेटवर्क के चलते वहां पे पेमेंट के इशू हो जाते हैं, लोग बिजनेस नहीं कर पाते ठीक से, किसी को आपको पैसे ट्रांसफर करने वो नहीं हो पाता है. तो ये बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करने के लिए अभी ऑफलाइन मोड में भी ये जो रिटेल पेमेंट है ये शुरू होगा. फिर एनहांसिंग ट्रांजेक्शन लिमिट इन IMPS टू 5 लाख. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. ये आरबीआई ग्रेड बी में भी पूछा जा सकता है और आने वाली एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. तो ये लिमिट बढ़ा के कितनी की गई है, 5 लाख, 2 लाख से. इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है. तो यू शुड नोट दिस डाउन, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट. टच पॉइंट क्या है, आपका होता है ना वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ये देखिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन जितनी भी है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है बेसिकली कंट्री में, उसका जियो टैगिंग होगा. तो हमको पता रहेगा कि कौन सा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है. तो वी कैन इंश्योर दी वी कैन प्रिवेंट द फ्रॉड्स इन दिस वे, है ना. अगर कहीं पे क्लोनिंग हो रहा है किसी मशीन का वो पता चल सकता है, कहीं पे कुछ रॉबरी हो रही है, कहीं पे अगर इलीगल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो इससे पता चलता है, ठीक है. नेक्स्ट है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. देर वर थ्री थीम बेस्ड कोहर्ट हैज बीन हेल्ड, फर्स्ट फॉर रिटेल पेमेंट, देन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, थर्ड फॉर एमएसएमई लेंडिंग. नाउ फोर्थ कोहर्ट हैज बीन लॉन्च्ड. फोर्थ कोहर्ट थीम इज प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जाम्स. वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज दिस, ओके. And you should take note of this. Then review of ways and means advances for relaxation in overdraft facility for states. ठीक है. So what is the WMA limit? 51,560 crore. This is important. Then what is ways and means? Ways and means means if government has short-term mismatch between its receipt and expenditure, then government can borrow from RBI under this WMA scheme. ठीक है. So the upper limit for borrowing is 51,560 crore. So this limit has been extended up till March 31 of 2022 till next year. ठीक है. So this becomes very important. Then priority sector lending permitting banks to on lending through NBFCs and continuation facility. अभी commercial bank क्या है, वो NBFC को loan कर दी थी पहले, ठीक है, अभी भी करती है. तो ये NBFC जो है इनका business चला दी थी. तो SBI ने मान लो अगर 100 करोड़ रुपए अगर NBFC को दिए तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पहले नहीं आता था. बट इफ दिस NBFC इज लेंडिंग टू फार्मर्स, MSMEs, देन हाउसिंग फॉर हाउसिंग पर्पस, देन दैट लेंडिंग विल बी कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. ठीक है. तो इससे बैंक को, कमर्शियल बैंक को फायदा होगा, वो जो भी लेंडिंग कर रहे हैं वो PSL में दिखा सकते हैं. ठीक है. देन इंटरनल ऑम्बुड्समैन फॉर NBFC. पहले इंटरनल ऑम्बुड्समैन नहीं था NBFC को, ठीक है. ये जो स्कीम है ये 94 में लॉन्च हुई थी. तो NBFC में जो भी अभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी ग्रीवांसेस होंगे पब्लिक के, दैट कैन बी रिजॉल्व थ्रू इंटरनल ऑम्बुड्समैन एट NBFC. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वन गुड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द बैंकिंग सर्विसेज. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा MPC का जो रिव्यू है वो कंप्लीट होता है. I hope all of you have got the content, and if you like the content please like, share and subscribe. We will keep on bringing such content for you, and we would like to have your cooperation. Theek hai, bell icon ko zarur press kijiye so that whenever new video comes you will be get informed. Okay. If you have any queries related to our courses, you can mail us at hello@iexambi.com or you can connect with us over phone also. Okay, this is the number. Milte hain next video mein. Till then, all the best.